लेट मी गिव यू एन होलिस्टिक ओवरव्यू क्योंकि देखें जब आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं तो आ, आपको यह डिसाइड करना है कि आपने जब पैसे रिसीव करने हैं फ्रॉम द क्लाइंट तो विच सोल्यूशन इज बेस्ट अब हमने क्योंकि यू नो you know, हमने में पाँच सोल्यूशन डिस्कस किए हैं इंक्लूडिंग पेनियर एंड पे पाल उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि आपको सिर्फ एक लोकल मार्केट का फ्लेवर दिया जाए और ग्लोबल मार्केट का फ्लेवर दिया जाए कि ग्लोबली पेमेंट्स रिसीव करने के लिए व्हाट ऑप्शंस यू हैव एंड देन यू नो इसकाई इज़ अ लिमिट तो इजी पैसा और जैज कैश जो है जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ये बैंक्स नहीं है ये इंटरमीडियरीज हैं जस्ट लाइक गूगल गूगल बेसिकली क्या है गूगल बेसिकली जो कंपनी है और जो कंज्यूमर है बीच में सर्च का काम देता है और अपना कट यानी अपने पैसे अपने पास रख लेता है बिल्कुल वैसे ही ईजी पैसा और जैस कैश हैं बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक या वेंडर एंड बैंक तो इसका मतलब है कि जो आ, लेकिन द गुड न्यूज इज क्योंकि ये आप यू कह लें ये, ये टेलकोज़ हैं इनकी इनके अंदर कंपेटिटिवनेस का इशू बहुत ज्यादा है तो ये दीज आर रदर इजी एंड क्विक टू सेटअप यानी आपका जो Uh, मतलब एज फॉर माई एक्सपीरियंस जैस कैश और जो ईजी पैसा का अकाउंट है दो इट इज नॉट वेरी सिंपल लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें एच बी एल से तो एच बी एल के कंपेरिजन में इट इज क्वाइट फास्ट एंड रदर वेरी ईजी टू यूज ईजी से मुराद मेरी ये है यहाँ पे कि जो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं या आपके सॉफ्टवेयर में कोई मसला आ गया है तो दी दीज गाइज आर मोर क्विक जो इनके सर्वर्स हैं वो कम्पेरिटिवली ज़्यादा फास्ट हैं अगर मैं एच पी एल से कंपेरिजन करूँ एंड एंड दिस इज सोनली माई ओन एक्सपीरियंस सो आई एम टेलिंग यू लेकिन इसका मतलब ये है क्योंकि ये इंटरमीडिएस हैं जो ट्रांजेक्शन फीस है यानी मैंने अगर ट्रांजेक्शन की है एज अ कस्टमर यूजिंग ईजी पैसा या ज्याज कैश तो जो पैसे ईजी पैसा और ज्याज कैश वाले रखेंगे अपने कट के तौर पर अपने सर्विस चार्जेस के तौर पर वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे फ्रॉम एच बी एल क्योंकि एच बी एल इज अ बैंक इट सेल्फ तो ये इनका ड्रॉबैक है तो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन यू नो द गुड एंड बैड थिंग ऑफ एवरी थिंग नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब हम ये देखते हैं कि जो एच बी एल है उसकी भी तो कुछ अच्छी बातें होंगी सो so, सबसे बड़ी चीज जो एच बी एल के साथ एसोसिएटेड है वो ये कि इट इज अ रिलायबल बैंक मतलब इट इज अ बैंक यानी उसका जो कोर फंक्शनैलिटी है वो ही पैसे को लेना देना है यानी पैसे की रिसीव करना और सेंड करना तो ये रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ड्रॉबैक इसका ये है कि क्योंकि ये मेच्योर बैंक है रिनोन बैंक है ये अमूमन स्टार्टअप्स को इतना इजिली सपोर्ट नहीं करता वो ये कहते हैं कम अज कम आपकी जो कंपनी है वो दो साल से रजिस्टर्ड हो कम अज कम ओनली देन दे विल प्रोसीड टू ओपन अकाउंट एंड सो ऑन मतलब इनके जो प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट uh, हैं वर्सेस टेलकोस और उसके बाद ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ ख़रीदी ऑनलाइन और फॉर एग्जांपल मैंने दराज से कोई ट्रांजैक्शन की उसके बाद दराज के अकाउंट में यानी मेरे पैसे मेरे अकाउंट से या, या मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होकर एक, एक वॉलेट में चले जाते हैं जो जिसकी ऑनरशिप एच के पास होती है और एच के वॉलेट से दराज के अकाउंट में बैंक अकाउंट में जाने में यानी जो उनका सेटलमेंट का पीरियड है वो थोड़ा सा आ, आ, वो थोड़ा सा लेंथी है एक तो अकाउंट ओपन होने का प्रोसीजर लेंथी है और जो अकाउंट सेटल होने का प्रोसीजर है इट इज इट यूजली टेक 24 टू 48 एट आवर्स एट टाइम सेवन टू आवर्स भी लग जाते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो गए यानी मेरे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट हो गए हैं लेकिन जो दराज है उसको तीन दिन के बाद अपने अकाउंट में अपडेट रिफ्लेक्ट हुआ है इन द मीन टाइम जो पैसे हैं वो एच के एक एक सेंट्रल वॉलेट में रहते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन यू नो बैंक का बेसिक काम ही ये है कि मेरे जो पैसे पड़े हुए हैं वो किसी और को लोन दे दिया और जो दोनों का डिफरेंस है उसका प्रॉफिट है वो लेके अपना बैंक चलता है तो अगर तीन दिन आ, मेरी अमाउंट एच मी एल के पास रहेगी तो दे कैन डू बिजनेस ऑन इट तो ये इनका एक ड्रॉबैक है कि जो इनका ओपनिंग अकाउंट का प्रोसीजर है और जो सेटलमेंट का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी है वैन वी कंपेयर दैम विद टेलिनॉर या इजी पैसा